करता है परोपकार की अद्भुत कहानी। परोपकार प्रकृति के कण कण में है समाया। ईश्वर ने इस धरती पर मनुष्य को ही है सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया, बल बुद्धि विवेक धन आदि से है संपूर्ण कराया। फिर भला मनुष्य ही क्यों परोपकार से वंचित है रह पाया। आखिर मनुष्य क्यों और कहां चूक गया अपना कर्तव्य निभाने में, वह ऐसा खो गया अपनी दिनचर्या को माने में। न याद रहे भलाई न परोपकार और लग गया प्रकृति को ही उजाड़ने में। पर ऐसे तो जीना तुम्हारा अधूरा है, जब तक किसी के काम ना आ सको तब तक जिंदगी का लक्ष्य न पूरा है। इसलिए हे मनुष्य उठो जागो, सामने आकर हाथ बढ़ाओ, किसी गरीब की मदद कर डालो, किसी के बिगड़े हुए काम को बनाओ, प्रकृति को सुंदर बनाने में सहयोग बढ़ाओ, परोपकारी बनने में कभी कम ना हो पाओ। प्रिय दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगी, आओ सब मिलकर करें सृजन इस धरती का, सब साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। सीख लो उपकार परोपकार।